सब सब पैनिक है स्टेयर्स पे, और मैं आपको नीचे ले चलता हूँ घर पे जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो देख सकते हो ये हालत है अभी के फिलहाल, देख सकते हो सबके सब पैनिक सिचुएशन में है, और सबके सब चार्जिंग के लिए, और जैसे भी जिस तरीके भी सिचुएशन पॉसिबल है उस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ कि कैसे सिचुएशन चल रही है। देख सकते हो हम ऐसे सो रहे हैं बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और ठंड भी लगती है रात को क्योंकि यूक्रेन जैसे कंट्री में ठंडी का माहौल रहता है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ आगे की चीजें। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमको ले जा रहे हैं ये भाई अपने बेड की तरफ। ये देखो हम ऐसे रह रहे हैं, ये हमारी सिचुएशन है फिलहाल, और ये लास्ट 6 डेज से हमारी यही सेम सिचुएशन है। ओनली खाली पहले दिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, दूसरे दिन तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई सुविधा नहीं मिली हमको। और ये मैं आपको ले चलता हूँ फॉलो ऑन। सब देखो कैसे सोए पड़े हुए हैं, खाने की भी कोई व्यवस्था है नहीं हमारे पास फिलहाल, और ऊपर जाने भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि बमबार्डिंग का रिस्क है। देख रहे हो ये सिचुएशन में हम फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं लास्ट 6 डेज से, और ये सिचुएशन दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। तो होप आप सब इस वीडियो को दिखाइए अपने चैनल पे, हो सके उतने स्टूडेंट्स की मदद कीजिए। ये तो हम फिर भी हॉस्टल बेसमेंट में, तो हमारे पास थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेट्रो में फंसे हुए लास्ट 6 दिन से, और मेट्रो सील कर दिया जा चुका है, वो मेट्रो में फंसे हुए बच्चों के पास ना कुछ खाना है ना कुछ कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ 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 ये वीडियो शेयर कीजिए अपनी चैनल पे। जितने भी इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, पीएम नरेंद्र मोदी, आई रिक्वेस्ट यू इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अगर आप जूम करेंगे तो दिखा जाएगा कि मतलब हर जगह बम्बार्डमेंट हो चुकी है। आप मेरी रिएक्शन मतलब समझ नहीं सकते, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ अभी क्योंकि हमारे दोस्त ये तो सिर्फ थोड़ा ही दिख रहा है इधर, ये पूरा एरिया पे धुआं धुआं ही था अभी थोड़ी देर पहले, पूरा एरिया ही धुआं धुआं था। ये हमारा एकदम नजदीक का एरिया है, तो जैसा कि आपने सुना कि नजदीक का एरिया है, हम सब पैनिक में हैं, हम सब थक चुके, हार चुके हमारी होप, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक जिएंगे, क्योंकि इवैक्यूएशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी लाइफ बचेगी। आई डोंट नो मैन, जस्ट प्रे फॉर अस, शेयर दिस वीडियो ऑन योर चैनल एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड प्लीज इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल।